असलमकुम नाज्रीन प्रोग्राम आ गई तब्दीली के साथ मैं शायद मुस्तफ़ा मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तजिया गार शहजाद चुप्ताई साहब शहजाद साहब तब्दीली पर तब्दीली और तब्दीली वाले फिर आ गए पंजाब में जो कुछ हुआ वो किसी के समझ में आ रहा नहीं आ रहा किसने फैसला किया अदालत भी फ़ैसला करने में बड़ी परेशान तीन दिन लगा दिया अदालत ने जो है इस मामले को सुलझाने में फिर हुकूमती एक तो अदालती फ़ैसला ना आने पर हुकूमत पहले से जो है वार्निंग दे रही है दुनिया में पहली दफ़ा किसी मुल्क में हुआ किसी अदालत को चैलेंज किया गया, गया तो तुमने समझे और ये धमकी ही समझे आप लेकिन इन सब चीज़ों का शहजाद साहब नुकसान हुआ ज़ोर ज़बरदस्ती जो है किसी भी मुल्क में देखें सियासत का मकसद ही यही है इजहार राय समझे और उसके ज़रिए आप तब्दीली तो तब्दीली तो अब ये आई कि पंजाब जो डामाडोल हो रहा था वो पीटीआई के पास अब मजबूती से आ गया शहजाज़ साहब अब इससे ज़्यादा मजबूती नहीं उन्होंने भी कुर्बानी दी कि अपना वज़र अला रखने के बजाय काफ्लीग का दस पे वज़ी अली दिया ये कुर्बानी दे के सियासत में ये गठजोड़ होते रहते हैं जैसे कि जरदारी साहब ने किया अभी तो अब यह देखना है कि मुल्क में इस्तेकाम नहीं आके दे रहा है मकसद ये कि सियासत के होने का फायदा क्या है सियासत का फायदा यह है कि आवाम को मुंतकिल और मुल्क में मीशत बेहतर हो और मुल्क का निजाम बेहतर हो लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं है देखें एक तो आप बात कर रहे हैं कि मुल्क में इसकाम नहीं आ, सकता। आ रहा है या नहीं आ सकता उसकी एक सबसे बुनियादी वजह यह है कि जब आप अक्सरीत को चाहे वह अक्सरीत नाएल है वो अक्सरीत जो है वो क्या कहते हैं जो तकाजे हैं वो नहीं पूरे कर जमहूरत के तकाज़े पूरे नहीं कर पा कुछ भी कर रही है लेकिन ये कि एक सौ पचपन वाली सीट सीट वाली इंसाफ को आपने बाहर कर दिया और छियासी सीटों वाली मुस्लिम लीग नून को इकतार दे दिया अच्छा ये ना सिर्फ विफाक में हुआ जबकि पंजाब में भी यही हुआ के हाथ टेटिंग के जरिए जो है हमजा शहबाज़ हुकूमत करते रहे अब हम आगे आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि भाई ये इसके असरात हम तो कराची किरा, के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके असरात हमारे कराची में क्या होंगे देखें ये दो पार्टियाँ थीं जो ये कहती थी कि हम चारों सूबों की जंजीर हैं हम जो है क्या कहते हैं बफाखी जमाते हैं लेकिन आज ये साबित हो गया कि नाम मुस्लिम लीग नून और ना पीपल पार्टी विफाकी जमातें नहीं हैं लेकिन आज जो है आपने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत विफाकी जमात है मुझे सिर्फ एक चीज़ से दिलचस्पी है और आवाम को भी एक दिल चीज़ से दिलचस्पी है कि इस सारे खेल में इस सारे ड्रामे में वाम का फायदा कहाँ है शहजाद साहब क्या आप पंजाब कर तरक्की कर जाएगा क्या मुल्क तरक्की कर सारा जाएगा देखिए दे 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 ना शहजाद साहब अब फैसला हो गया ना अब वफाक में सोलह जमातें पंजाब और के पी के में पी टी आई समझे बलूचिस्तान में सिंध एक सिंध रह गया अब मुझे बताएं वफाक के पास क्या रह गया और वफाकी सियासत क्या रह गई वफाक मुल्क में क्या तब्दीलियाँ आ सकता है विफाक ने तो देखें विफाक ने आज तक कोई कारनाव अंजाम दिया इससे हमारी अठारहवीं तरमीम के कोई कोई काम की बात नहीं की और वो अठारहवीं तरमीम भी आज जो है क्या कहते हैं गले लग गई आपने सारे यानी सुबह को इख्तियारत दिए अठारहवीं तरमीम तैयार दिए सारे फ़ंड आपने सुबह को दे दिए विफाक के पास ना फंड हैं ना इख्तियारत हैं अब एक शायद ये वक्त भी आ कि शहबाज शरीफ लाहौर ना जा सके कराची में अगर इलेक्शन हैदराबाद में हो जाते हैं तो ये तो शहजाद साहब ये तो क्लीन स्वीप मुझे लग रहा है कि ये बदल देगा जी जी। और हुकूमत भाग रही है बलदियाती इलेक्शन से जी और हुकूमत की इतिहादी जमातें भाग रही हैं कि कराची भी अगर हाथ से गया तो जिस तरह आप देख रहे हैं पंजाब गया है अगर कराची गया तो सिंध में भी कुछ नहीं रहता है शहजाद साहब तो आप ये देख रहे हैं कि और इसमें गलतियां हैं है कि कराची को नजरअंदाज किया उन्होंने अब कराची पीटीआई के लिए भी थोड़ा मुश्किल इसलिए हुआ है कि पीटीआई ने कुछ किया नहीं है कराची के लिए वफाक में नहीं, रहते हुए हैं अच्छा, नहीं थाँग कराची थाँग के लिए ही टाइम नहीं है किसी के पास शहजाद साहब बदकिस्मती तो ये है एक बुनियादी चीज ये कि अठारहवीं तरजीम ने इतने मसाइल पैदा किए हैं कि अठारवी तरजीम के तहत जहाँ अमरीत कहाँ पर है अमरीत सिंध में कायम है क्या आप नहीं समझते कि सिंध में आम भी है तो सिंध में देखें कराची एक क्या हाल कर दिया जब से अट्ठारहवीं तरीम आई फेडरल गवर्नमेंट पहले कराची को फंड देती थी वो फंड इन्होंने बंद करा दिए अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये, ये ये प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट पे हम काम काम करेंगे तो शहजाद साहब कराची में ना देखें ना कराची में आप आप देखें गलतियाँ माने ना कराची में अगर आप सत्रह सीटें उठा के जिसकी एक दो सीट हो उसको सत्रह दे दें पंद्रह इजाफी सीटें दे दें और कराची से फिर ये कहें लेने वाला उसका भी डाल दी गई ठीक है ना लेकिन ये इससे पहले नून लीग को क्या सीटें नहीं मिली मिली जो एक दफा जो ये नवाज शरीफ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से आए थे 97 सेवन में और उन्होंने क्या टूट

एक शिजाज साहब कु नुमा क्या कर रहे हैं बताए मुझे और मैं कह रहा हूँ हुकूमत तो तब्दील कर रहा है ना आपको उनके बगैर चल भी नहीं सकते ना अगर वो हट जाएँ तो इस वक्त आप कहाँ खड़े होंगे तो बात यह कि उनकी गलती अपनी जगह लेकिन गलत काम भी गलती है ना आप जो है जिस तरीके से निज़ाम चला रहे हैं इस मुल्क का कि जहाँ वोटर्स को आपने गिनती कम कर दी आपने उनके मसायल नहीं हल कर रहे हैं उनकी असल नुमाइंदगी नहीं आने दे रहे हैं मैं कह रहा हूँ कोई भी जीत रहा है ना जमूरीत में तो ये है ना कि जिसका वोट बैंक है वो जीतेगा देखें शाहिद मशा साहब आप जो ना इंसाफी की बात कर रहे हैं ना इस शहर के साथ जो ना इंसाफी हो रही है ना उस पर तो कोई मुखाफत मुका, अमल नहीं हो रहा अच्छा मैं ये बात नहीं कर रहा ये पी बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि पी एफ सी पंद्रह साल से बल्कि बीस साल से इस शहर में पीएफसी एफ नहीं हुआ है मतलब पीएफसी के तहत ते, तहत कराची को जो फंड मिल मिलने थे वो बीस साल से रुके हुए नहीं मिल उसके अलावा जो कराची का ओरिजिनल हिस्सा है उसके भी कोई छिया च्या, छियासठ से छिहत्तर अरब रुपये ये सिंह गवर्नमेंट दबा के बैठी थी कराची का मसला ये है कि कराची वालों ने आज मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं कि कराची में हम तारीफ़ करते हैं कि नहमतुल्ला खान ने और मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छी तरक्की थी आज दुनिया में अल्लाह ताला जन्ना नसीब करे नहमतुल्ल साहब को वो नहीं है अरे भाई एक नहीं है तो कम से कम मुस्तफ़ा कमाल तो मौजूद है ना उसको मौका तो दो यार जब एक चीज़ को आपने अमली तौर पर देखा है आप समझते हो कि मसले का हल ये है तो सियासी बुनियादों पर लसानी बुनियादों पर आप क्या इंतकाम ले रहे हो शहर से क्यों नहीं ऐसे लोगों को मुंतब कर सकते हैं हम हम क्यों ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं जिनकी डोर जो है किसी और के हाथ में है जब उनके हाथ में अपनी डोर नहीं होगी वो इस शहर को कैसे चलाएंगे सुबह को कैसे चलाएंगे वो डोरों पे चलने वालों के हवाले हम ये क्यों कर रहे हैं अपने मुल्क को अपने शहरों को अपने सूबों को तो तब्दीली हमें लानी पड़ेगी तब्दीली आएगी लेकिन ऐसे नहीं आएगी तब्दीली आवाम के ज़रिए ही आएगी अवाम के दबाव के ज़रिए आएगी आज ये आवाम ने वोट दिए तो पंजाब में तब्दीली आई कि एक दोबारा जो है पीटीआई का वोट बैंक है आप जैसा भी कहें जिस साल में भी कहें हमें इससे कोई वो नहीं है लेकिन ये आवाम का एक तरीका कार है वोट देने का और इलेक्शन के ज़रिए ही तब्दीली आई है तो इलेक्शन में जो है आप कराची के लिए पहली तब्दीली की सीढ़ी तो चढ़ो उसके बाद जब आप सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको जो है आगे कुछ मंजिल नज़र आएगी और हकूक लेना कोई इतना आसान नहीं है और हुकूक के लिए जो है ना बहुत जद्दोजहद की लोगों ने बहुत नुक़सान उठाया और हुकूक के लिए ही ये अल्लाह ताला ने भी जो है ये निज़ाम बनाया है कि हक़ दो और जालिम वही होता है जो जुर्म करता है और हक़ नहीं देता है हक़ लेने के लिए आप कोशिश करें आपको नहीं मिला देर है आज इंसाफ़ मिला ना कभी तो कराची के लिए भी इंसाफ़ होगा जिस तरह आज पंजाब के लिए इंसाफ़ हुआ है बड़े तीन दिन लगा के फैसले किए फैसला रोकने में इतना टाइम लगाया और पंजाब को इंसाफ मिला ये अच्छी बात है ये खुशी की बात है पंजाब को इस मुल्क से अलग थोड़ी है ऐसे ही फैसले कराची के बारे में भी करो कराची तबाह बर्बाद हो रहा है डूब जाता है बारिश में उनके घरों पे तो जाओ समझे कोई आज पूछने वाला नहीं है आज इश्तारात की भरमार है टी चैनल पर तो इस इश्तारत को दे रहे हैं और वो उसको नहीं दे रहे हैं डूबे हुए लोगों को लोग नहीं दिखा रहे हैं तो बस ये है कि हम डूबते जा रहे हैं हमें डूबने से बचना है अपने शहर को बचाना है बहुत शुक्रिया सरदार साहब